अस्सलामु अलैकुम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द मास टू मास रिलेशनशिप। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको, इसमें लाइमस्टोन की डिकम्पोजिशन दिखाई जा रही है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से टूट रहा है, किस किस प्रोडक्ट में टूट रहा है, इक्वेशन के थ्रू आपको वो पता चल रहा है। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट का डेटा में आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, और उस डेटा में जो वैल्यू गिवन है उसकी हेल्प से फर्दर हम प्रोसीड करेंगे और अपने रिएक्टेंट्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मास फाइंड आउट करेंगे। तो डेटा जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपके पास डेटा में ओनली थिंग वॉज 25 ग्राम, ठीक है, कि आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम लेते हैं तो कितना आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कितना आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इनके मासेस, इनके वेट आपने फाइंड आउट करने हैं। तो क्योंकि मास से आप एक मास ही फाइंड करेंगे, ठीक है, तो दिस रिलेशनशिप विल बी कॉल्ड एज मास टू मास रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एडिशनल थिंग के आप जो भी मोलिकुलर वेट्स थे अपने कंपाउंड्स के वो यहाँ पे ऐड करके लिख दिए। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपके पास कैल्शियम 40 होता है, इसमें 1 कार्बन है तो 1 कार्बन आपके पास 12 है, 3 आपके पास ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमने 16 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो ओवरऑल जो इसका वेट आ रहा है मोलिकुलर वेट, दैट इज़ 100 ग्राम। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था, उसका भी हमने वेट निकाल लिया। कैल्शियम का 40, एक ऑक्सीजन है, प्लस 16 होगा तो 56। एंड द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का भी 44 ग्राम। अब आपके पास मासेस हैं, ठीक है, इक्वेशन में मौजूद जो कंपाउंड था स्मॉल रेशियो के अकॉर्डिंग आपके पास मासेस हैं। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 100 ग्राम, 100 की बजाय अगर हम 25 ग्राम ये यूटिलाइज करें, ठीक है, तो आपके पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जो है यहाँ मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन को देखते हुए कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आई वुड राइट कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, 1 मोल यानी कि 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस के कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस कैल्शियम ऑक्साइड कितना, 56 ग्राम। तो अगर ये 100 के बजाय आप 25 लें जो आपके पास डेटा में गिवन है, तो फिर कितना प्रोड्यूस होगा वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसी को हम लेके चलेंगे, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 56, इसको आप 100 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर लें 25 से, यू विल गेट द आंसर। वेल, 56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25, द आंसर इज 14। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो आपके पास बन रहा है दैट इज़ 14 ग्राम। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का मास। द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, ये फाइंड आउट करना है। तो सेम यही होगा कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। ठीक है, तो अगर आप ये 25 ले रहे हैं, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कितना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगेन 44 को 100 से डिवाइड करा एंड मल्टीप्लाई बाय 25 ठीक है, इट्स 11 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास जो मास आ गया है, मास ऑफ
carbon dioxide is equal to 11 gram. Here is your answer. Okay. तो इस क्वेश्चन में इतना ही था कि आपको क्या फाइंड आउट करना था, कैल्शियम ऑक्साइड का मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं. So the next question is, chlorine is produced on large scale by electrolysis of sodium chloride aqueous solution. Aqueous solution जो sodium chloride का होता है वो एक electrolyte होता है. अच्छा, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका जब reaction करवाया गया यानी electrolysis करवाई गई, तो sodium chloride जो breakdown हो रहा है chlorine और sodium ion में. ठीक है, तो इसके help से जो chlorine gas बनेगी, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे. अच्छा जी, ये नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन. अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का मास गिवन है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड. मैं लिखूंगी कि 142 ग्राम क्लोरीन अगर आपके पास बन रहा है, ठीक है, तो आपको कितना रिएक्टेंट चाहिए, कितना सोडियम क्लोराइड चाहिए जिससे वो बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन आपके पास मास टू मास रिलेशनशिप है. क्वेश्चन, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो इक्वेशन है यहाँ पे वाटर के साथ, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वाटर के साथ इसको मिक्स करेंगे, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन. अब बढ़ते हैं हम इसकी स्टेप वाइज कैलकुलेशन की तरफ. आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेटा में आपको जस्ट ये पता है कि क्लोरीन कितना बन रहा है. ठीक है, तो आपने रिएक्टेंट का मास यानी कि सोडियम क्लोराइड कितना आपको चाहिए 142 ग्राम क्लोरीन की प्रोडक्शन के लिए, आपने वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन में इक्वेशन में सोडियम क्लोराइड जो मोल दिए हुए उसका मास फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमारे पास कितना होता है, सोडियम 23, ठीक है, 35.5 क्लोरीन है, और आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि यहाँ पे आप 2 मोल्स यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं. ठीक है, ये हो गया 58.5 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, 117 ग्राम. ठीक है, ये तो 2 मोल्स का आपके पास मास आ गया. अब आपको क्लोरीन, ठीक है, इसका 1 मोल का मास भी पता होना चाहिए, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो एटम्स हैं, एक एटम 35.5 होता है, तो ये आपके पास 71 ग्राम. यानी कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 2 मोल सोडियम क्लोराइड कितना है, 117 ग्राम है. ठीक है, और ये 1 मोल क्लोरीन कितना है, ये 71 ग्राम है.
अब अगर 71 ग्राम की बजाय इससे आप इसका बढ़ा दें, यानी कि आप कितना कर दें 142 ग्राम क्लोरीन बना दें, तो उसके लिए आपको कितना सोडियम क्लोराइड चाहिए होगा, आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड बाय NaCl। ठीक है, 71 ग्राम कितने NaCl ने प्रोड्यूस किया, 117 ग्राम। ठीक है, तो 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड बाय NaCl इज इक्वल टू 117 डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 142, तो आपके पास आ जाएगा वो मास जो NaCl का है 117 डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 142। ठीक है, तो मास आपके पास NaCl का आ गया जो हमें रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो सिंपली आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या था, आपने प्रोडक्ट के मासेस फाइंड करने थे। ठीक है, और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने रिएक्टेंट का मास फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मास। तो दोनों में ही मास टू मास रिलेशनशिप लग रहा था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।